अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफिया से होंगे। दोस्तों आज मंडे का दिन है, 30 सितंबर है और कराची कौंसलेट के अंदर कितने पासपोर्ट जमा हुए हैं, कराची कौंसलेट की क्या अपडेट है, कितने दिन के अंदर वीज़ा लगा रही है और इसके अलावा जो अकद अमल का नया सिस्टम नया निज़ाम शुरू हुआ है तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है, वीज़े लग रहे हैं मतलब के कलर प्रिंट पे या मतलब के नहीं लग रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त परेशान हैं और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद की भी अपडेट आप भाइयों के साथ मैं शेयर कर देता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर मतलब कि कितने दिन के अंदर वीज़े लग रहे हैं और आपको वकाला कराची का बनवाना चाहिए या इस्लामाबाद का बनवाना चाहिए। चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कराची कौंसलेट की अपडेट, जो कि कराची कौंसलेट के अंदर कोटा सिस्टम चल रहा है, जो कि 6-8 महीने हो गए हैं लगातार कोटा चल रहा है। कभी 30 पे आ जाते हैं पासपोर्ट, कभी 20 पे, कभी 50, तो इस तरह करके पासपोर्ट अंदर जा रहे होते हैं। कराची के अंदर टोटल तकरीबन 50 से 60 ड्रॉप बॉक्स हैं। एक ड्रॉप बॉक्स वाला फिलहाल जो है ना 30 पासपोर्ट जमा करा रहा है। अभी फ्राइडे को अपडेट उन्होंने दी थी कराची कौंसलेट ने कि आपने 30 पासपोर्ट जमा कराने पर ड्रॉप बॉक्स वाले ने, यानी कि एक ड्रॉप बॉक्स वाले ने 30 पासपोर्ट जमा कराने हैं, जो कि आज मंडे था। कौंसलेट के अंदर 30 पासपोर्ट एक बंदे ने जमा कराए हैं, ठीक है। ये कराची कौंसलेट की अपडेट थी, जो कि कराची कौंसलेट के अंदर जो पासपोर्ट डेली बेसिस पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर कराची में वीज़ा स्टैंपिंग की बात की जाए कि कितने दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो रहा है, तो उस चीज़ पे भी मैं बात कर लेता हूँ। आपको बताता चलूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर आज पासपोर्ट हमारे अंदर गए हैं कराची कौंसलेट के अंदर, आज चले गए हैं वो, यानी कि आज के दिन में अंडर वर्किंग हो जाएंगे, ठीक है। आज के दिन में अंडर वर्किंग हो जाएंगे। बाद वक्त इस तरह हो जाता है कि आज नहीं हुए, अंदर तो चले गए, दूसरे दिन कल, यानी कि कल फिर अंडर वर्किंग हो जाते हैं, डेट चेंज हो जाती है। ई नंबर की डेट चेंज होने के बाद कराची के अंदर जो कि पिछले हफ्ते हमारे पासपोर्ट लगे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर फिर इशू हो गए, यानी कि मंडे वाले दिन हमारी डेट चेंज हुई थी, वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन फिर वीज़े हमारे इशू होके शाम को हमें मिल भी गए, ठीक है। तो ये कराची कौंसलेट की अपडेट है। कोटा तो चल रहा है, कोटा की फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि काम अभी स्पीड में थोड़ा सा आ गया है, ठीक है। बस ये जो अकद अमल की अगर बात की जाए, जो अकद अमल उन्होंने नया कानून नया सिस्टम निकाला है, तो अकद अमल आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, जो कि QR कोड वाला होता है। साइट पर मैं दिखा भी देता हूँ, किसी भाई ने अगर मुझसे बनवाना हो तो ये मुझसे बनवा सकता है। ये बनवा के PDF मतलब मैं आपको सेंड कर दूंगा, PDF के ज़रिए आपने कलर प्रिंट निकालना है। कलर प्रिंट जो है ना अपनी फाइल के साथ अपने एजेंट को एजेंसी वाले को दे देना है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले ये बात चल रही थी कि सऊदी अरब से ओरिजिनल मंगवाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये काम चल रहा है, कलर प्रिंट पर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे खुद के भी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहे हैं, तो मैं इसलिए आपके साथ ये डिटेल भी शेयर कर रहा हूँ। और किसी ने बनवाना हो, इसकी फ़ीस है जो 12,000 रुपये है, यानी कि 12,000 में आपका ये कदम बन जाएगा ओरिजिनल। 2 दिन का टाइम होता है, बाद वक्त 1 दिन में आ जाता है हमारे पास बन के, तो 1 दिन में दे देते हैं, वरना 2 दिन का मैं टाइम देता हूँ, 2 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये अकद अमल बनवाने के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना व्हाट्सएप का स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो PTCL नंबर है ऑफिस का, वो भी मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। ये PTCL नंबर आपको ऑन मिलेगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम में। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जब जब मैं फ्री हूँ इंशाल्लाह देखूँगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मतलब कि अकद अमल बनवाने के लिए आपका पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए होगी और आपका जो सऊदी अरब से वीज़ा निकला है वो वाला वीज़े का प्रिंट चाहिए होगा। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं और 12,000 रुपये आपने भेजने हैं, तो 2 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी भाई ने जो है ना वकाला बनवाना हो तो मेरी एजेंसी पे बनवा सकता है, मुनासिब हमारी फ़ीस है यानी कि, और सर्विस भी हमारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब से हैं, वो मेरे साथ काम कर भी रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन है और फीस भी हमारी नॉर्मल है, मतलब कम टाइम में आपका वीज़ा भी स्टैम्प हो जाएगा। आप भले कहीं पे भी बैठे हैं, मतलब मुल्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी हैं, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। आपने TCS पे हमें पासपोर्ट भेजना है, आपका वीज़ा स्टैंप होगा, आपने अमाउंट भेजनी है प्रोसेस की, ठीक है, उसके बाद हम आपको TCS करा देंगे, ठीक है। इस्लामाबाद की भी अपडेट मैं आप भाई के साथ शेयर करता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी में जैसे पासपोर्ट आज मिसाल के तौर पर गया, जमा हो गया, ठीक है, आज ही पासपोर्ट अंदर जमा हो गया, आज के दिन उन्होंने अंडर वर्किंग कर देना है और आज के दिन में उन्होंने वीज़ा इशू कर देना है। मतलब कि वहाँ पे कोई कोटे वाला निज़ाम नहीं चल रहा, कोई मतलब कि ऐसी पंचायत मामला नहीं चल रहे, ठीक है।
तो वहाँ पे एक ही दिन के अंदर अंडर वर्किंग आपका होगा और एक ही दिन के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो उसी दिन शाम को आपका पासपोर्ट आपके एजेंट को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस्लामाबाद की ये तरतीब चल रही है। इस्लामाबाद में अगर आप वकाला बनवाना चाहते हैं, मेरी एजेंसी पर वकाला बनवा सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस हो जाएगा, आपका स्टैम्प हो जाएगा, उसकी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दोबारा से मैं नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल मैं नहीं उठाता माजरात के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं और मैसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से नंबर वार सबका रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। हर टाइम मोबाइल मतलब कि मेरे पास ही होता है, लेकिन नंबर वार सबका रिप्लाई करता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, थोड़ा सब्र कर लिया करें, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट कराची कौंसलेट की, इस्लामाबाद एम्बेसी की। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।